स्वर्गीय सुरेश शर्मा स्मृति पंडित आत्माराम व्यास जन्म शताब्दी वर्ष समारोह समिति व केशव माधव परमार्थ मंडल अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में 30 सितंबर 2023 शनिवार को 23 वर्षों से भी अधिक 8522 दिन से लगातार निरंतर पाठ करने वाले पूज्य गुरुजी अश्वनी पाठक का अजमेर में 8680वां पाठ का आयोजन हरिभा उपाध्याय नगर स्थित सिंधुपति महाराजा दारसेन स्मारक पर होगा। वैसे स्थान पर बैठक आयोजित कर कमेटियां बनाई गई। कमल प्रकाश ने बताया कि सामूहिक सुंदरकांड पाठ के लिए विभिन्न कमेटियां बनाई गई। 2121 आसन पर होने वाले इस पाठ में आसन बुकिंग के लिए पुनित दादीच विमल काबरा मुकुल खत्री को संयोजक बनाया गया है। मुख्य द्वार पर स्वागत कक्ष में ज्ञान सारस्वत विजय तत्वेदी प्रमोद जैन राजेश आचार्य टेंट व लाइट समिति में अमर सिंह पंवार सुरेश माहेश्वरी सुरेश टाक डॉक्टर सुरेश शर्मा साउंड एलईडी समिति में प्रहलाद शर्मा योगेश दत्त शर्मा पांडाल व्यवस्था समिति में शंकर सिंह राठौर व केशव परमार्थ मंडल के कार्यकर्ता जल व्यवस्था देवेंद्र दादीच विजय साहू श्याम सांकला पदवेश व्यवस्था में मनोज सेन मोनू अशोक बंसल पार्किंग व्यवस्था फूलचंद दिनेश खटाना होल्डिंग बैनर पैम्पलेट व्यवस्था में अनिल कुमार जोशी प्रेम राकेश वर्मा प्रचार प्रसार व मीडिया महेंद्र कुमार तीर्थाणी विष्णु भार्गव राजीव शर्मा प्रसाद वितरण में देवीलाल जांगिड़ गुलाब औदित्य अमित सेन आवास व्यवस्था में अशोक बंसल हिमांशु गहलोत जितेंद्र शेखावत मेडिकल व्यवस्था में नटवर पारसर दयानंद वित्त समिति में भंवर सिंह चौहान रहेंगे। मयंक दादीच ने बताया कि आसन बुकिंग के लिए 8 सार्वजनिक स्थान में रसोई फैमिली रेस्टोरेंट स्वामी कॉम्प्लेक्स 99 29 59 044 7 पुनित दादीच कलेक्ट्रेट परिसर 95 87 65 72 09 मनोज सेन मात्र कृपा प्रॉपर्टीज रामनगर गली नंबर 4 98 29 86 36 64 जीडी सर्राफ नया बाजार 94 14 00 46 30 यश ऑप्टिकल्स फाइसागर रोड 98 29 52 32 50 प्रकाश फोटो स्टेट स्टेशन रोड 01 45 24 20 290 भवानी प्रोविजन स्टोर धारसेन स्मारक के पीछे 94 14 96 99 5 कार्निकल ग्राफर्स गुप्ता पान के पास वैशाली नगर 98 29 61 13 34 व समिति के सदस्य आसन बुकिंग करेंगे। सुंदरकांड पाठ दुनिया में बहुत होते हैं परंतु अजमेर के अंदर एक ऐसे गुरुदेव आ रहे हैं जिन्होंने पिछले 23 वर्ष से लगातार सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं। ये जो पाठ है वो 8000 से भी ज्यादा पाठ की संख्या इसमें निर्धारित है। इस सुंदरकांड के पाठ में जो अश्वनी जी पाठक हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के शहरों में नहीं विदेशों में भी जाकर सुंदरकांड की महिमा के बारे में जानकारी देते हैं। उस जानकारी के साथ साथ सुंदरकांड को सामूहिक रूप से बताने का महत्व बताते हैं कि किस तरीके सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए क्या आपको नियम है किस तरीके से सुंदरकांड को करने से आपको कौन सी आपकी मनोकामना किस तरीके से पूरी होती है। ऐसे अश्विनी जी पाठक 30 तारीख को अजमेर आ रहे हैं दारसेन स्मारक पर। मैं आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस सुंदरकांड पाठ में आकर उसका हिस्सा बने। निश्चित रूप से बात मान के चलिए कि इस सुंदरकांड के पाठ से आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी होंगी। ये हमारे केशव माधव परमार्थ मंडल के फाउंडर मेंबर आदरणीय श्री सुरेश जी शर्मा और पूज्य पंडित जी आत्माराम जी व्यास की शताब्दी समारोह और केशव माधव परमार्थ मंडल के संयुक्त तत्वाधान में महाराजा सिंधुपति धारसेन स्मारक 30 सितंबर 2023 शनिवार को 2121 आसन पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ का और पाठ अंतर्राष्ट्रीय पूज्य गुरुजी अश्वनी जी पाठक के श्रीमुख से और उनकी मधुर वाणी से किया जाना है। आज उसी निमित्त एक बैठक रखी गई जिसके अंदर प्रमुख कार्यकर्ता को बुलाया गया और विभिन्न समितियों का गठन कर और ये सुंदरकांड की जो होने वाली विभिन्न व्यवस्थाएँ उनकी व्यवस्थाओं को लोगों को जिम्मेदारी दी गई और 2121 आसन पर होने वाले आसन के लिए भी हमने पुस्तकें जारी की हैं और शहर में करीब 8 जगह हमने पुस्तक वितरण पॉइंट बनाए गए हैं
जो यदि कहीं का भी आदमी हो वो अपना आसन आसानी से बुक करा सकते हैं। 30 सितंबर 2023 को महाराजा धारसेन स्मारक पर होने वाले माननीय अश्वनी जी पाठक के सुंदरकांड की व्यवस्थाओं की भी आज बैठक रखी गई। बैठक में 8 स्थान तय किए गए जिन स्थानों के ऊपर आसन बुक होना है। इसके साथ साथ कोई भी आसन बुक करने के इच्छुक कार्यकर्ता डायरी उन 8 स्थानों पर से अपना नाम लिखा कर प्राप्त कर सकता है और 7 दिन के अंदर उसको जमा कराना आवश्यक है। लगभग हमारे पास अभी 1000 से ज्यादा आसन बुक हो चुके हैं, शेष आसन भी शीघ्र बुक हो जाएंगे। अतः मैं आपके माध्यम से सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि जो जो इस सुंदरकांड के पाठ में धर्म लाभ प्राप्त करना चाहता है वो निम्न 8 स्थानों के ऊपर आकर अपना आसन बुक करा सकता है। और अगर कोई समाज सेवी या धर्म सेवी धर्म प्रेमी बंधु ये चाहता है कि मैं और अपने मित्रों के इष्ट मित्रों के आसन बुक करूं तो वहां से डायरी प्राप्त करके और करेगा। आसन बिल्कुल निःशुल्क है, आसन की कूपन का कोई शुल्क नहीं है। आसन पहले आओ पहले पाओ के आधार के ऊपर कार्यक्रम रखा गया है। अतः सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आसन बुक कराएं, शीघ्र बुक कराएं और समय पर कार्यक्रम आके एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों की हमारी आशा है कि इस कार्यक्रम में धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित हो और एक नैना अभिराम दृश्य उपस्थित होने जा रहा है, उसका लाभ लें। आगामी 30 सितंबर को आयोजित होने वाले इस विशाल धार्मिक आयोजन की तैयारियों के लिए आज सिंधुपति महाराजा धारसेन स्मारक पर अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक आयोजित करके विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें मंच की व्यवस्था, टेंट माइक की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था के साथ जल व्यवस्था, पदवेश व्यवस्था व आसन बिछा करके अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी जो दी गई है उसे कमेटियां बना करके सभी ने अपने जिम्मे कुछ न कुछ काम लिया है और भी सामाजिक धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसमें अपनी सहभागिता निभाने के लिए सहमति प्रदान की है, जिनको जोड़ करके ये भव्य धार्मिक आयोजन बहुत ही प्रेरणादायी बनने जा रहा है।